Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के नाला सुपारा के विनायक अस्पताल में 7 लोगों की ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मौत हो गई है। 7 लोगों की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। ये नाला सुपारा के विनायक अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। मृतकों के परिवार का आरोप है कि अस्पताल में बेहतर सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन ना होने से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो किस लिए इतने पैसे अस्पताल ले रहा है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की एक वजह ये भी है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ऊपर से अस्पतालों में सुविधा ना होने के बाद भी भारी भरकम बिल मरीजों के परिजनों को दिया जाता है। नाला सुपारा में 7 लोगों की मौत विनायक अस्पताल में सिर्फ इसलिए हो गई कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। दोपहर के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, तभी सब मालूम गया कि यहाँ पे विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं है, खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद इनसे पूछा तो हमको मालूम करा यहाँ पे आज एक ही नहीं 7 या 8 डेट उसके वजह से विनायक हॉस्पिटल के बारे हॉस्पिटल में हुई है। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उसके बाद उनका रवैया तो हमेशा की तरह, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, जब पहली लाट आया था कोरोना का उसी वक्त भी उनका यही रवैया था। ये विनायक हॉस्पिटल में हमारी मांग यही है एक है कि अगर हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया है तो पूरी सुविधा भी होनी चाहिए, अगर कोई सुविधा नहीं है तो ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। उसी बात पे हमको भी समझ में आ रहा है, हम लोग भी इतने नहीं कि हमको भी घूमते सब मालूम है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि नियोजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन खत्म होने आया है तो उनके रिलेशन वालों को बताना चाहिए था कि ऑक्सीजन खत्म होने आया है, तो वो अपने अपने तरीके से पहले थोड़ा बताना चाहिए, तो अपने अपने तरीके से हर एक रिलेशन वाला अपने अपने पेशेंट का जो भी है हॉस्पिटल सेटल कर देता। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक महाराष्ट्र सैनिक हूँ। मेरा नाम प्रशांत खांबे है। मेरे कार्यकर्ते यहाँ आए थे और उनको मालूम पड़ा कि किसी किसी रिलेटिव के या इधर जो हॉस्पिटल के नीचे जो लोग थे उनके पेशेंट इधर डेथ हो गए, तो उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने बोला कि हमको पैसा दो फिर हम बॉडी देंगे, लेकिन ये प्रशासन और ये हॉस्पिटल ये ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमको पैसा देना करके, और ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट डेथ हो गए, मैंने तो उनको बोल दिया कि कोई भी बिल नहीं भरेगा, लेकिन इसके लिए ये हॉस्पिटल में ना इंजेक्शन अवेलेबल है रेमडेसिविर, ना टॉक्सिलोजिनो अवेलेबल है, और कोविड के ऊपर जो भी इंजेक्शन है तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तो तुम लोग ये हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते क्यों? जब तुम्हारे पास यही सुविधा नहीं है तो ये सुविधा पहले अवेलेबल करो फिर पेशेंट को एडमिट करो। जब पेशेंट सीरियस होने के बाद तुम पेशेंट के हाथ में रिसीट दोगे कि आपको ये इंजेक्शन लगेगा, आपको रेमडेसिविर लगेगा, आपको इधर जाओ आपको मिलेगा, आपको शासन ने कोटा दिया हुआ है ना, तो वो कोटे में से आपको इंजेक्शन देना जरूरी था, वो आपने दिया नहीं, फिर भी लोगों को चिट्ठी देके एक रिसिप्ट देके प्रिस्क्रिप्शन लेके तुम लोग रिलेटिव को भगा रहे हो कि जाके उधर से इंजेक्शन लेके आओ, इधर से जाओ उधर जाओ, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं है। वसई विरार में आज कितने डेट हो गए, उसमें से 5 डेट ये हॉस्पिटल में हो गए विनायक हॉस्पिटल। विनायक हॉस्पिटल है कोविड पेशेंटसाठी हे हॉस्पिटल आहे। या ठिकाणी आज सकाळपासून आतापर्यंत 7 पेशंट जे आहेत ते दगावलेले आहेत या ठिकाणी, त्यामुळे लोक जे पेशंटचे नातेवाईक आहेत त्यांनी या ठिकाणी गर्दी केलेली होती। आम्ही या ठिकाणी पोलीस आम्हाला माहिती कळाली की आम्ही आलेलो, पेशंटच्या नातेवाईकांना समजावून सांगितलेलं आहे, डॉक्टरांनी त्यांना त्यांचं जे बिल होतं ते बिल त्यांच्या सोयीनुसार द्या असं सांगितलेलं आहे, आणि त्यांची बॉडी जी आहे त्याची कायदेशीर नियमाप्रमाणे आहे ती त्यांना ताब्यात घ्यायला सांगितलेले आहे पेशंट। तरी परिस्थिती शांत आहे, यांची ऑक्सिजनची गाडी आम्ही जे आहे ती 3:30 वाजता
ऑलरेडी या ठिकाणी गाडी आलेली आहे, त्यांच्याकडे ऑलरेडी 7 वाजेपर्यंत पुरेल एवढं ऑक्सिजन होतं आणि 3:30 वाजताच एक गाडी या ठिकाणी आलेली आहे. आम्ही त्या प्रकारे सुद्धा 3:30 वाजता खात्री केलेली होती या ठिकाणी, पण आमच्या अधिकाऱ्यांनी मी स्वतः या ठिकाणी येऊन गेलो होतो की या ठिकाणी ऑक्सिजनची गाडी आली की नाही. नाही काही नाही, तोडफोड वगैरे केलेली नाही. पब्लिक थोडंसं नातेवाईक जे आहे ते थोडेसे कालवाबंद करत होते, म्हणून या ठिकाणी आम्ही येऊन त्यांना समजावून सांगितलेलं आहे. हॉस्पिटलनी पण त्यांचं बिल जे आहे ते बिल त्यांच्या सोयीनुसार द्यावं आणि द्यावं की नाही द्यावं हे त्यांनी ठरवावं असं डॉक्टरांनी पण सांगितलेलं आहे. परिस्थिती शांत आहे सध्या.